देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मोथरवाला में आज पशुपालन विभाग की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बतौर मुख्य अतिथि पशुपालन निषेधालय के प्रशासनिक भवन का लोकार्पण भी किया। इस दौरान प्रदेश के कई गौ सेवकों को भी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में पशुपालन मंत्री रेखा आर्य, शहर के मेयर और धर्मपुर क्षेत्र के विधायक विनोद चमली के अलावा विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पशुपालन विभाग को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है और प्रदेश में पशुपालन के जरिए पलायन रोकने में मदद मिलेगी। इसके लिए एक ढांचे के अंतर्गत सभी का समन्वय करके कई परियोजनाएं जल्द ही लॉन्च की जाएंगी। इतना ही नहीं, ऑर्गेनिक क्षेत्र में पशुपालन विभाग को विकसित किया जाएगा, ऑर्गेनिक दूध ऑर्गेनिक मीट का दायरा बढ़ाया जाएगा। इस मौके पर पशुपालन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले उत्तराखंड के ग्रामीण लोगों को फर्स्ट एड किट भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदान की। देखिए, एक तो पलायन है, दूसरा रोजगार है और तीसरा हम जिस ओर इस स्टेट को ले जाना चाहते हैं वह ऑर्गेनिक स्टेट की ओर हम ले जाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि बगैर पशुपालन के ऑर्गेनिक स्टेट की कल्पना नहीं की जा सकती है। और हमारे यहाँ जिस तरह की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, हमारे लिए जिस तरह की खेती की भूमि की उपलब्धता है, और विशेषकर मैं कहना चाहूँगा कि जो पर्वतीय क्षेत्र है, एवरेज लैंड होल्डिंग बहुत कम है और राज्य की भी एवरेज लैंड होल्डिंग लगभग एक एकड़ है। ऐसे में ये जो पशुपालन है उसमें हम उन्नत किस्म के अगर पशु पालें, चाहे हम गाय पालें, भेड़ पालें, बकरी पालें, मुर्गी पालन करें, तो ये सारी चीज़ें हम कम जगह पर अधिक उत्पादन इससे ले सकते हैं। और जो दुग्ध पालन है वो तो एटीएम की तरह है, वो एक तरह से कैश पैसा होता है जिसकी आज बड़ी डिमांड है।